दोस्तों आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 7 मुकाबले खत्म हो चुका है। कल 2 मुकाबला इंग्लैंड वुमेन वर्सेज आयरलैंड वुमेन्स के बीच खेला गया, वहीं दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच खेला गया। इन मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा फेरबदल हुआ है, तो कैसे है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल, जानेंगे सब कुछ आगे। मगर उससे पहले दोस्तों वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी हां दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के 6ठे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड की टीम को 4 विकेट से धूल चटाकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मैच जीती है। इंग्लैंड की टीम इस जीत के बाद वह ग्रुप बी के पहले स्थान पर है, वहीं आयरलैंड इस हार के साथ चौथे स्थान पर बनी है। जबकि 7वां मुकाबला ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच खेला गया। साउथ अफ्रीका की टीम के 132 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम महज 67 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम की इस जीत से ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस हार से चौथे स्थान पर है। आपको बता दूं दोस्तों, इस समय ग्रुप ए में श्रीलंका की टीम टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मैच खेली है 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, बांग्लादेश की टीम ग्रुप ए के चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम टॉप पर है, टीम इंडिया पाकिस्तान से एक मैच खेली है और जीत कर 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान की टीम एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है, वेस्टइंडीज की टीम बी के 5वें स्थान पर बनी है।